बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार किए जाने वाले अभिनेता दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिलीप कुमार का हाल ही में निधन हुआ है। 98 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। गौरतलब है कि दिलीप कुमार साहब बीते लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और उन्हें इससे पहले भी कई बार अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिलीप कुमार से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं और कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हैं जो शायद ही आपको इससे पहले सुनने को मिली हो। दिलीप कुमार का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। पाकिस्तान के पेशावर में 11 दिसंबर 1922 को जन्मे दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है और उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था। 12 भाई बहन थे दिलीप कुमार और उन्हें घर चलाने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्टॉल्स पर भी काम कर चुके थे दिलीप कुमार। सैंडविच स्टॉल पर काम करने के लिए उन्हें रोजाना 1 रुपए मिलते थे और एक बार जब वो किसी सिलसिले से नैनीताल गए थे तो उस वक्त उनकी मुलाकात हुई थी हिंदी सिने जगत की सबसे पहली अभिनेत्री देविका रानी से और देविका रानी ने उनको ये सुझाव दिया था कि उन्हें मुंबई की ओर रुख करना चाहिए और एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। और जब एक बार किसी काम के सिलसिले से दिलीप कुमार साहब मुंबई की लोकल ट्रेन का सफर कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्हें एक प्रोड्यूसर ने यही सलाह दी, जिसके बाद ये बात उनके दिमाग में घर कर गई और उन्होंने मुंबई की ओर रुख कर लिया, जिसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि शुरुआत में उन्होंने देविका रानी के स्टूडियो में 1250 रुपए मासिक वेतन पर काम किया, जिसके बाद साल 1944 में दिलीप कुमार ने फिल्म ज्वार भाटा से हिंदी सिने जगत में कदम रखा। इसके बाद भी उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया लेकिन उन फिल्मों में उनका अभिनय दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया, या फिर यूं कह लीजिए कि उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और शुरुआती दौर की कुछ फिल्में फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद 1960 में आई फिल्म मुगले आजम ने उनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इस फिल्म में उनके अपोजिट जो एक्ट्रेस नजर आई थी वो उस दौर की मशहूर अदाकारा मधुबाला थी। इन दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब सराहा और आपको जानकर भले ही हैरानी हो लेकिन ये फिल्म उस दौर की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी और इसी फिल्म से शुरू हुई थी दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी। इसी फिल्म के शूटिंग सेट से इन दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा था। आपको जानकर भले ही हैरानी हो लेकिन इस फिल्म की शूटिंग 10 साल तक चली थी और फिल्म की शूटिंग खत्म होने के साथ ही इन दोनों की लव स्टोरी का भी दी एंड हो गया था। दरअसल मधुबाला अपने परिवार में कमाने वाली इकलौती सदस्य थी और उनके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरह के अफेयर में पड़े और भी कई कारणों के चलते इन दोनों को अलग होना पड़ा। यहाँ तक कि दिलीप कुमार साहब ने अपनी बहन सकीना के हाथों मधुबाला के घर शादी का पैगाम भी भेजा लेकिन मधुबाला के पिता ने साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। बताते चले कि फिल्म जुनून, शहीद, अंदाज, जोगन, दाग, आन, देवदास, नया दौर और मुगले आजम जैसी फिल्मों को उनके करियर की सुपर डुपर हिट फिल्मों में शुमार किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं और इनके अलावा वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि उन्हें पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। भले ही अब वो इस दुनिया में ना रहे हों लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए हमेशा उन्हें याद किया जाता रहेगा। अपने बेहतरीन अभिनय की बदौलत वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।